नमस्कार दोस्तों, सावन के पहले सोमवार को करे 10 उपाय भोलेनाथ के बरसे की कृपा। जी हाँ दोस्तों, 17 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस बार सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ रहा है। अगर इस दिन कुछ खास उपाय किया जाए तो व्यक्ति को भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और उन्हें तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, वो कौन से 10 उपाय हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला उपाय है, पंडित दीनानाथ शुक्ल के अनुसार सावन के पहले सोमवार में व्रत की शुरुआत हाथ में गंगाजल के संकल्प करते हुए करें और इसके बाद जल को जमीन पर छिड़क दें। दूसरा उपाय है, सावन के सोमवार में शिव जी का अभिषेक पंचामृत से करें। इसमें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद को शामिल करें। इसमें भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। तीसरा उपाय है, शिवलिंग की पूजा करते समय उसमें भांग, धतूरा, शमी के पत्ते भस्म चढ़ाएं। ध्यान रखें कि भस्म महिलाएं न अर्पित करें, शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है। चौथा उपाय है, शिव पूजा के दौरान सफेद आंकड़े के पुष्प चढ़ाएं और साथ ही 108 बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पांचवा उपाय है, सावन के सोमवार का व्रत फलकारी माना जाता है, इसीलिए पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करें और शाम के समय इसे बिना अन्न वाला भोजन करें। छठा उपाय है, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, अब इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। सातवां उपाय है, घर में सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर केसर चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है, इसे व्यक्ति की तरक्की होती है। आठवां उपाय है, नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करें, इससे परिवार को खुशहाली आएगी। नौवां उपाय है, सावन के पहले सोमवार को किसी शिव मंदिर में अन्न और दक्षिणा का दान करना भी शुभ माना जाता है। और दसवां उपाय है, मानसिक शांति और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए दूध और गंगाजल से शिवजी का अभिषेक करें। जी हाँ दोस्तों, इन सभी उपाय करके आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय भोले बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद।